बुधवार को दिल्ली से टनकपुर आ रही जनशताब्दी ट्रेन टनकपुर स्टेशन पहुंचने से पहले ही अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा में चलने लगी। ट्रेन को उल्टा चलता देख रेलवे प्रशासन में अफरा तफरी मच गई, वहीं यात्रियों में भी हड़कंप मच गया। ट्रेन पर काबू पाने के बाद यात्रियों और रेलवे प्रशासन की जान में जान आई। इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी के कोचों के बीच का प्रेशर पाइप लीक होने से ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से गाड़ी बनबसा की तरफ ढलान होने से उल्टी दिशा में दौड़ने लगी। इस दौरान अनियंत्रित रेलगाड़ी की चपेट में आने से एक गोवंशीय पशु की मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रेन पटरियों पर तेज गति से लगातार विपरीत दिशा में दौड़ती रही, जिसे आखिरकार खटीमा पहुंचने से पहले गोसी कुआं क्षेत्र के पास कंट्रोल कर लिया गया। ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। सभी यात्रियों को बसों से उनके गंतव्य स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले 2018 व 19 के दौरान जब इस ट्रैक को बड़ी लाइन में बदलने का काम चल रहा था, तब भी लाइन टेस्टिंग के कार्य में लगा एक रेल इंजन अनियंत्रित होकर टनकपुर से विपरीत दिशा में चलता हुआ खटीमा तक पहुंच गया था। फिलहाल रेलवे द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है।